ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते दो सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है ऐसा नहीं है, ये एक स्टेबल ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग उस पर जो जोर दे रहा है यह भी अभूतपूर्व है। मुझे खुशी है कि हमारी इस कैपेसिटी के निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये भारत जापान के सहयोग के बहुत बड़े उदाहरण हैं।